हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम ओप्पो के न्यू फ़ोन के रूमर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ओप्पो फाइंड एक्स फाइव प्रो। वैसे ओप्पो अपने फाइंड एक्स फाइव सीरीज में 3 फ़ोन लॉन्च करने वाला है, ओप्पो फाइंड एक्स फाइव, फाइंड एक्स फाइव लाइट और फाइंड एक्स फाइव प्रो। लेकिन इस वीडियो में हम बस ओप्पो फाइंड एक्स फाइव प्रो के बारे में बात करेंगे। हाल ही में दिसंबर 2021 में ओप्पो ने अपने न्यू चिप के बारे में अनाउंस किया था कि ओप्पो की फाइंड एक्स सीरीज में ओप्पो अपने नए चिप मारी सिलिकॉन एक्स एनपीयू को लगाने वाला है, जिससे कि इमेज प्रोसेसिंग और इमेज की क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ओप्पो फाइंड एक्स फाइव प्रो फ़ोन दिखने में कैसे होगा और क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो फ़ोन दिखने में कैसे हो सकता है, बट ये फोटोज़ फ़ोन की लीक्ड फोटोज है। अभी तक इसे ऑफिशियल नहीं रिवील किया गया है। तो डिज़ाइन की बात करें तो पीछे की तरफ हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विथ फ्लैश और ओप्पो के ब्रांडिंग हैसलब्लेड के साथ, और सामने की तरफ डिस्प्ले और साइड पंच होल कैमरा मिलेगा, और साइड की तरफ वॉल्यूम रोकर अप एंड डाउन और दूसरे साइड की तरफ पावर बटन देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन मिलेगा, और ऊपर की तरफ हमें बस सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसके कैमरा की बात करें तो गाइस, ओप्पो फाइंड एक्स फाइव प्रो में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसकी मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल की होगी और 5x ऑप्टिकल जूम और iOS की सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और मारी सिलिकॉन एक्स एनपीयू की चिपसेट से इमेज और भी क्लियर और नाइट इमेजेस बिना किसी ज्यादा नॉइस के इमेज ले पाएगा, और साथ ही हैसलब्लेड की कलर प्रोसेसिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही औसम होगा। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमें 32 मेगापिक्सल साइड पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और iOS का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की एक बड़ी सी डिस्प्ले होगी, जो कि LTPO AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और HDR 10 प्लस की सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और बैटरी की बात करें तो हमें ओप्पो की इस फोन में 5000 mAh की बैटरी, जो कि 80W सुपरवूक 3.0 की सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, रैपिड स्कैनर और भी सारे एडिशनल सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी में हमें डुअल नैनो सिम मिलेगा विद 5G सपोर्ट और एक्सटर्नल माइक्रो SD की ऑप्शन नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें इस फोन में 8 और 12GB की फास्ट रैम मिलेगी, और साथ ही एडिशनल 3GB वर्चुअल रैम भी मिलेगा। और परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन की न्यू फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 की प्रोसेसर मिलेगी, और यूजर एक्सपीरियंस के लिए एंड्रॉयड 12 विद कलर OS 12 देखने को मिलेगा, और स्टोरेज में हमें 256GB और 512GB की स्टोरेज मिलेगा। और एडिशनल फीचर में हमें ओप्पो फाइंड एक्स प्रो में हमें वाटरप्रूफ और स्क्रैच रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिलेगा। तो बाकी इस फ़ोन की प्राइस और लॉन्च डेट की अभी तक कोई भी रूमर्स नहीं आया है, तो मैं प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, बट ये बता सकता हूँ कि ये फ़ोन फरवरी लगभग को लॉन्च हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ओप्पो फाइंड एक्स फाइव प्रो की डिज़ाइन कैसे लगी, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस अपलोड करने पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अभी के लिए गुड बाय।